मिथुन आप जो ही रहा छो 100 न्यूज। राज्य में आती वर्षे वरसद जोर सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात में वरसद जोर वे वरसादी सिस्टम सक्रिय थता वरसद जोर वी सके। कच्छ में वरसद ने पगले प्राकृतिक सौंदर्य सोले कड़ाई खिली उठ्यू। नखत्राणा नजीक पालरगुना धोधनो अद्भुत नजारो। पोरबंदर घेड़ विस्तार पानी में, अधिकारी द्वारा डेम में अणघड़ रीते पानी छोड़ाता स्थिति कपोड़ी बनी खेड आक्षेप। द्वारका में फरी मेघराजा आगमन, असह्य गर्मी बाद अनेक विस्तारों में वरसो वरसाद, वरसाद ने पगले रस्ता पर वहता थया पानी, सतत वरसाद कारण खेडूतों में चिंता। धोराजी में सतत वरसाद 10 गाम ने जोड़ता पुल तूटो, पुल तूटता 10 गामों वाहन व्यवहार ने असर, छत्रासा नदी में वही रू सतत पानी। केशोद बामणसा ओजत कांठा तूटो पाड़ो, खेतरो में घुसी गया ओजत नदी का पानी, 100 वीघा जटली जमीन में धोवाण। जामजोधपुर ग्राम्य विस्तार में 7.5 इंच वरसाद, 12 कलाक की वधु समय वीत्यो छता पानी नहीं ओसर्या, खेतरो पर पानी में गरकाव। अमदावाद शहर अनेक विस्तार में धीमी धारे वरसाद, कोट विस्तार, पूर्व विस्तार, पश्चिम विस्तार में झरमर वरसाद, रस्ताओ थया पानी पानी। सूरत शहर में वादळछाया वातावरण वच्चे वरसादी झापटा, शहर अनेक विस्तारों में धीमी धारे वरसाद, लोगों ने बफारा थी मिली राहत। नर्मदा डेम ऐतिहासिक सपाटी थी मात्र 0.1 मीटर दूर, हाल 137.99 मीटर पहुंची सपाटी, डेम की महत्तम सपाटी 138 मीटर है। उपरवास में सतत वरसाद कारण तापी नौकाई डेम हाई एलर्ट पर, डेम में सतत वधी रहेली पानी की आवक कारण नीचावाड़ा विस्तारों ने एलर्ट कराया। द्वारकाना दधीची गामना खेडूतोनो सरकार ने जगाड़वानो अनोखो प्रयोग, वाड़ी विस्तार में खेडूतोए पोते ज ग्राउंड झीरो अहेवाल दर्शाव्यो, मगफली सहित पाकों निष्फल जता तैयार कर्यो अहेवाल। जिल्लामां कोविड की स्थिति ने ध्यान राखी शुरू थशे शाळाओ, नितिन पटेले कहूं सरकार उतावळे नहीं करे कोई निर्णय। भारत सरकार डूंगळीनी निकास पर समझी विचारी ने ज मूक्यो छे प्रतिबंध, नितिन पटेले कहूं अछत न सर्जाय ते जवाबदारी पण सरकार नी छे। राजकोट में डूंगळीनी निकास पर भारतीय किसान संघ प्रमुख निवेदन, बंद न थवी जोईए, सरकार बदले निर्णय। आगामी दिवसों में घटी शके डूंगळी भाव, अमदावाद लोगों ने सस्ती डूंगळी मळशे तेवी आशा, हाल मार्केट में 30-40 रुपया भावे किलो मिली रही है डूंगळी। ऊंझा एपीएमसी सामे आक्षेप करनार सोमिल पटेले कहूं कौभांड पुरावा रजू करीशू, एक एक पावती बनाने कौभांड करात हो आरोप। ऊंझा एपीएमसी में कौभांड आक्षेप करना सौमिल पटेल मोटो खुलासो, कहूं कि धारासभ्य आशा पटेल ने कौभांड विषे जाण थी, कौभांड 15 महीना चालतु थू जेनी जाण धारासभ्य आशा पटेल ने थी। सौमिले आक्षेप कर्यो कि आशा पटेल की हाजरी में मने दिनेश पटेले कटकी विषे समझाव्यु थू, कटकी विषे समझण आपती वखते आशा पटेल और सेक्रेटरी पण चेम्बर में हाजर था। ऊंझा एपीएमसी में आक्षेपबाजी दौर शुरू, चेयरमैन पर 15 करोड़ की सेस की आवक घरभेगी करो डायरेक्टर आक्षेप, चेयरमैने आक्षेपों ने फगाव्या। ऊंझा एपीएमसी में 15 करोड़ कौभांड मुद्दे चेयरमैन नो बचाव, कहूं मैं डायरेक्टर ने एक केस में मदद न करी माटे रचू षड्यंत्र। ऊंझा एपीएमसी विवाद मामले बोलिया नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल, कहूं कि मारी पास विगतवार माहिती नहीं, पर कोई गैरकायदेसर प्रवृत्ति थती हो तो कार्यवाही कराश। मेहसाणा एपीएमसी में सेस गैररीति मामले ऊंझा पूर्व धारासभ्यों बोलवा इंकार, नारायण पटेले मीडिया सामे बोलवा इंकार कर। विपुल चौधरी ने वधु एक फटको, हवे चराड़ा दूध मंडली की व्यवस्थापक समिति में विपुल चौधरी ने बरतरफ करने हुकम, कलम 76B हेठ जिला रजिस्ट्रारे हुकम कर। चलाला नगरपालिका बे सभ्य ने कांग्रेसे कर सस्पेंड, पालिका प्रमुख की चूंटी में पक्षना मेंडेट करो तो अनादर। स्थानिक स्वराज्य की चूंटी पहला कांग्रेसे योजी बैठक, नवा सीमांकन मुद्दे जिलाओं वांधा सूचनों मुद्दे विस्तृत चर्चा। कांग्रेस धारासभ्य गैसुद्दीन शेखे चीफ जस्टिस ने लिखो पत्र, राज्य में चूंटी न योजवा करी रजूआत, चूंटी योजाए तो राज्य में कोरोना फैलावानी भीति होवानो पत्र में उल्लेख। खेडूतोना पाक निष्फल सर्वे मामले कांग्रेस धारासभ्य मोहन वाड़ाए उठाया सवाल, कहूं कि
12 दिवस में मात्र 9 गामों सर्वे करायो तो 64 गामों सर्वे केवी रीते थशे। कोरोना संक्रमित अभय भारद्वाज ने विशेष तबीबों की टीम करशे सारवार, मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा पण राजकोट पहुंचा। सीआर पाटिल थया कोरोना मुक्त, समर्थकों मान्यो आभार, आवतीकाले होस्पिटल में मळशे रजा। भाजपना प्रवक्ता भरत पंड्याए कोरोना ने आपी मात, भरत पंड्या रिपोर्ट नेगेटिव आता यूएन मेहता होस्पिटल में अपाई रजा, डॉक्टर्स पेरामेडिकल स्टाफ मान्यो आभार। राजकोटनी होस्पिटलों वधु एक माठो अनुभव, भाजप नेता और यार्डना वाइस चेरमेन ने स्टार सीनर्जी होस्पिटल में खराब अनुभव थयो, होस्पिटल में योग्य सारवार न मळती होवानो दावो। जेतपुरना एएसपी सागर बागमार ने थयो कोरोना, बे दिवस पहला जयेश रादड़िया साथे बैठक में रहा था उपस्थित। जूनागढ़ सिविल होस्पिटल में कोरोना दर्दियों की स्थिति कथड़ी, मात्र 8-10 कलाक चाले तेटलो ज ऑक्सिजन सप्लायर पास जत्थो। राजकोटनी सिविल होस्पिटल में लोहीना परीक्षण माटे चीनना बे मशीन आवता विवाद, कांग्रेसे भाजप सरकार की बेधारी नीति होवानुं कही जवाबदार सामे पगला लेवा करी मांग। राजकोटना परधरी में आरोग्य विभाग कोरोना दर्दी ने लेवा जता करी माथाकूट, सिविल में दर्दी ने साझा करने बदले मौत आपता होवानो आक्षेप। राजकोट में खानगी कोविड होस्पिटल की दादागिरी, बेड खाली होवा छता मात्र ओळखाणवाळा लोकोने ज फाळवाय छे बेड। राजकोट में खानगी होस्पिटलों द्वारा वधु पैसा लेवा मामले तंत्र की कार्यवाही, संस्कार होस्पिटले बे दर्दी ने 70,000 परत आप्या, प्रांत अधिकारी आदेश बाद होस्पिटले पैसा परत कर्या। राजकोट में कोरोना संक्रमण वधु न फैलाय ते माटे वधु एक रणनीति, एसटी रेलवे एयरपोर्ट खाते कोरोना कराशे रेन्डम टेस्टिंग। अमदावाद में सतत वधु कोरोना संक्रमण, एएमसी संचालित और सिविल होस्पिटल में दर्दियों में सतत थई रह्यो छे वधारो। अमदावाद में खाणीपीणी बजार पर महापालिका की कार्यवाही, कर्णावती क्लब सामेनी खाणीपीणी बजार सामाजिक अंतरना अभावे सील। सूरत माटे चिंताजनक समाचार, सूरत में बालकों तरुणों में वध्यु कोरोना संक्रमण, छेल्ला 10 दिवस में वध्यु प्रमाण, तंत्र संक्रमण अटकावा घड़वी पड़शे रणनीति। सूरत महापालिकाए पांडेसरा मिलों में हाथ धरू सरप्राइज चेकिंग, कामदारों की विगत छुपावता मालिकों ने दंड, 7 दिवस माटे मिल कराई बंद। कोरोना वत्ता केस सामे पाटण एसडीएम ने स्पेशल ड्राइव, मास्क विनाना लोगों ने शोधी ने करावियो कायदानु भान, जरूरियातमंदों ने मास्क पण वहेंच्या। भावनगर महापालिका ने मास्क ड्राइव, व्यापारियों ने दंड फटकारता व्यापारियों विरोध, दुकानों करी बंद, कमिश्नर और मेयर ने करी रजूआत। भरूचनो स्पेशल कोविड स्मशान फरी एक बार विवाद में, अग्निदाह करता कर्मचारियों करार पूर्ण थता पालिका समक्ष मुकी मांग, मांग पूरी थशे तो ज करशे काम। जामनगर में स्वैच्छिक लॉकडाउन की जाहरात, 6-30 सप्टेम्बर सुधी अर्धो दिवस रहेशे लॉकडाउन, सवार 8 थी बपोरना 2 वाग्या सुधी ज दुकानों रहेशे खुली, ग्रेन मार्केट और बुकसेलर्स मंडल निर्णय। कोरोना काल में गुजरातियों की हालत कफोड़ी, पीएफ सौथी वधु नाणा उपाड़वामां गुजरात 7मा क्रमे, 8,25,000 थी वधु लोकोए उपाड्या नाणा। दीवना लोको अने प्रवासियों माटे महत्वना समाचार, दीवनो बीच प्रवासियों माटे मुकायो खुल्लो, 6 महीना बाद बीच खुलता पर्यटकों में खुशी। नवरात्रिना निर्णय पर असमंजसनी वच्चे अमदावाद में खेलैयाओ शुरू करी शेरी गरबानी तैयारी, पोळमां करी रह्या छे गरबानी प्रेक्टिस। अमदावादना गोता हाउसिंगमांथी 7 वर्षनी बाळकी खुशी राठोड गुम, बाळकी गुम थता पोलीसे सोशियल मीडियामां कैम्पेन शुरू कर्युं। एएसआईना आंतरराष्ट्रीय जासूसी कांडनु पगेरू गुजरात में होवानो खुलासो, मूळ गोधराना वतनी गीतेली इमरान की विशाखापट्टनम जासूसी कांड मुद्दे धरपकड़। अमदावाद पॉप्युलर बिल्डर ग्रुप फरी विवाद में, छेतरपिंडी ने धमकी ने लईने प्रथमेश क्रिनेश और विक्रम पटेल सामे थई अरजी। चोटेला लंपट शिक्षक आरोपी धवल त्रिवेदी रिमांड मंजूर, सीबीआई कोर्टे 7 दिवस रिमांड मंजूर कराया, सीबीआईए मांग्या था 7 दिवस रिमांड। सूरतना करोड़पति क्वारी मालिक दुर्लभ पटेल आपघात केस में बिल्डर भावेश सवाणी और राजू भरवाड़ की धरपकड़, डिजिटल सर्वेलेंस आधार कराश धरपकड़।
હવે જેતપુરના પ્રતાપનગર ગામે લોકોની જાણ બહાર ઉપાડ્યા પૈસા 50 જેટલા મનરેગાના ખાતામાંથી ઉપાડી ગયા રૂપિયા તો બોડેલી પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતેદારોનો હવાળો અરવલ્લીના વડાસામાંથી ઝડપાયું 1.5 કરોડનું ચરસ એનસીબીએ 16 કિલો ચરસ સાથે એક કાશ્મીરી વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો કચ્છના અંજાર નજીક 1.5 કરોડના વિદેશી પિસ્તાની લૂંટના મુદ્દે સૂત્રધાર ઝડપાયો હાઈવે પર લૂંટ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ ગેંગના અન્ય 9 આરોપીઓની શોધખોળ ચાલી રાજકોટના મૌડીમાં સ્ટોન કિલરની હત્યાનો ખેલાયો ભેદ માલવ્યાનગર પોલીસે નેપાળ બોર્ડર પરથી આરોપીની ધરપકડ કરી આરોપી નેપાળ ભાગી જવાની ફિરાકમાં હતો સુરતમાં તરુણી પર દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમ ઝડપાયો અઠવા પોલીસે બાતમીના આધારે દુષ્કર્મીને ઝડપી પાડ્યો ફિયાન્સે વિડિયો ઉતારી આચર્યું હતું દુષ્કર્મ સુરતમાં બોગસ આધાર કાર્ડ બનાવતી ટોળકી ઝડપાઈ કતારગામ પોલીસે 5 શખ્સોની કરી ધરપકડ બોગસ સહી સિક્કા અને પ્રમાણપત્રના પડાવતા હતા 600 રૂપિયા સુરતના પલસાણાના જોડવા ગામે ઠગ ટોળકીનો કારસ્તાન સોનું ચમકાવાના બહાને સોનું સરકાવીને થયા ફરાર સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ઠગ ટોળકી નવસારીના મિનકુનિયા ગામમાં ફાયરિંગ અજાણ્યા શખ્સોએ એક વ્યક્તિ પર 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું ગંભીર હાલતમાં ઇજાગ્રસ્તને સારવાર અર્થે ખસેડાયો થરાદના દુધવા ગામે પેટ્રોલ પંપના ટેમ્પોમાંથી ચોરી 2,38,000ની રોકડ ચોરી કરી શખ્સ ફરાર પોલીસે સીસીટીવીના આધારે શખ્સની શોધખોળ હાથ ધરી વડોદરાના ડભોઈની માઇનોર કેનાલમાં ડૂબ્યા 3 યુવક 2 યુવાનોનો બચાવ એકની શોધખોળ રેલવેના કલરકામ માટે અમદાવાદથી આવ્યા હતા યુવાનો ભાવનગર મહાપાલિકાએ 85 લાખના ખર્ચે ખરીદેલા મશીનો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે વિપક્ષનો આક્ષેપ છે કે આ મશીન લાવી મનપાના શાસકોએ મોટું નુકસાન કર્યું છે તો બીજી બાજુ અધિકારીઓ બચાવ કર્યો વડોદરાના છાણી ગામમાં સરકારી શાળાનો ક્લાસરૂમ ધરાશાયી શાળા બંધ હોવાથી મોટી હોનાર ટળી છેલ્લા ઘણા સમયથી ક્લાસરૂમ થયો હતો જર્જરિત એક મહત્વના સમાચારની વાત બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે આપ જોઈ રહ્યા છો 100 ન્યૂઝ વિશ્વનું સૌપ્રથમ સીએનજી ટર્મિનલ સ્થાપનારું પહેલું રાજ્ય બનશે ગુજરાત ભાવનગર ખાતે સ્થપાશે ટર્મિનલ ટોયોટા કંપની ભારતમાં નહીં કરે વિસ્તરણ ઊંચા કરવેરો હોવાથી વિસ્તરણ ન કરવા જણાવ્યું રોજગારી સર્જન અશક્ય હોવાનો પણ ટોયોટાનો દાવો સુરત એરપોર્ટના વિસ્તરણનું કામ અટક્યું ઓએનજીસી દ્વારા નિયત સમયે રિપોર્ટ ના આપતા કામ અટકાવાયું અમદાવાદ શહેરમાં તંત્રના પાપે પ્રજા પરેશાન પોશ વિસ્તાર ગણાતા સત્તાધાર પાસે ફરી પડ્યો ભૂવો જામનગરમાં ફરી ધરાધ્રુજી ભૂકંપના આંચકાથી મોટી ભલસાણ ગામે અનેક મકાનોમાં પડી તિરાડ ધારીગીરના હડાળા રેન્જમાં દુર્લભ પ્રજાતિના ગીધ પહાડી અને રાજગીધનું ટોળું જોવા મળ્યું દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિ પર કેન્દ્રીય આરોગ્ય વિભાગની પ્રેસ કોન્ફરન્સ કહ્યું કે દેશમાં ઝડપથી સાજા થઈ રહ્યા છે દર્દીઓ દેશમાં ઓક્સિજનની ઘટ હોવાની ચર્ચા પર પણ કેન્દ્રીય આરોગ્ય વિભાગે કરી સ્પષ્ટતા કહ્યું કે દેશમાં ઓક્સિજનની નથી કોઈ કમી કોરોના મહામારી વચ્ચે ચીનનો મોટો દાવો નવેમ્બર મહિના સુધી બજારમાં મળતી થઈ જશે કોરોનાની વેક્સિન કોરોનાની રસીને લઈને બોલ્યા બિલ ગેટ્સ કહ્યું કે કોવિડ વેક્સિનના ઉત્પાદનમાં ભારતની જરૂરત કોરોનાની વેક્સિન કોઈ પણ બનાવે પરંતુ સૌથી વધુ ડોઝ ભારતમાં જ બનાવશે ગંગાજળમાં રહેલા બેક્ટેરિયો ફ્રોઝથી થઈ શકે છે કોરોના વાયરસનો ખાતમો બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીનો મોટો દાવો ભારતમાં વીવીઆઈપીની જાસૂસી બાદ ચીનનું વધુ એક ષડયંત્ર પેમેન્ટ એપ ટેકનોલોજી ઉદ્યોગની પણ કહી રહ્યું છે જાસૂસી એલએસી વિવાદ પર સંસદમાં બોલ્યા રાજનાથસિંહ કહ્યું ચીનના ઈરાદાઓને જાંબાઝ જવાનોએ બનાવ્યા નિષ્ફળ ચીન સાથે સરહદ વિવાદ મામલે રાજનાથસિંહના નિવેદન બાદ રાહુલના પીએમ પર પ્રહાર કહ્યું પીએમ મોદીએ ચીની અતિક્રમણ મુદ્દે દેશને દોર્યા ગેરમાર્ગે કંગના રણૌત અને જયા બચ્ચન સામસામે જયા બચ્ચને કરેલા વાર સામે કંગનાએ કહ્યું તમારી દીકરી હોત તો પણ આવું જ નિવેદન આપત
बॉलीवुडमां ड्रग्स तस्करी मुद्दे रवि किशने आपेला निवेदन पर जया बच्चनों राज्यसभा में पलटवार कहूं बॉलीवुडे जेने नाम आप्युं तेवो ज करे छे बदनाम। राज्यसभा में एरक्राफ्ट संशोधन बिल पास बिल थी सुधरशे विमान सुरक्षा संचालन स्तर नियमों मुजब दंड की रकम 1 करोड़ कराई। अदाणी जूथ ने 6 एरपोर्ट सौंपवा मुद्दों गाजियो राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाले कहूं एक ज खानगी कंपनी ने 6 एरपोर्ट सौंपी देवाया। समाचारों में समय थयो छे वधु एक विराम स्वागत छे आप जोई रह्या छो 100 न्यूज। केंद्रीय चूंटणी पंचे उम्मेदवारी फॉर्म में कर्या फेरफार उम्मेदवारोए 3 वखत आपवी पड़शे पोताना गुनानी विगत। बिहार विधानसभा चूंटणी पहला प्रधानमंत्री मोदीए राज्य ने अनेक भेट आपी छे पीएम मोदीए बिहार में 7 महत्वपूर्ण योजनाओं उद्घाटन कर्यु। पीएम मोदी विपक्ष पर कटाक्ष करता कहूं कि बिहार ना लोकोए वर्षो सुधी दर्द ने सहन कर्यु कौभांड में बिहार ना विकास ना पैसा गायब थई गया। नीतीश कुमार सामे चिराग पासवान की नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठकों की वहेंचणी में नाराजगी अंगे लख्यो पत्र। टापू पर थती हती सुशांत सिंह की ड्रग पार्टी रिया चक्रवर्ती एनसीबी समक्ष लीधु सारा कुल सिमोन नु पण नाम। सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट केस में अभिनेता विवेक ओबेरॉय साळा नाम एफआईआर में दाखिल करायेला 12 नामों में आदित्य अलवान नाम पर शामिल। अंकिता लोखंडे की लेटेस्ट तस्वीर जोई लोगों ने आवी रह्यो छे गुस्सो अंकिता ना कपड़ा जोई लोग भड़क्या। बिग बॉस 14 नो नवो प्रोमो लॉन्च प्रोमो में सलमान खान दमदार अंदाज में जोवा मळ्यो। बॉलीवुड ना जाणीता अभिनेता अमिताभ बच्चन टूंक में ज एलेक्सा पर हशे। एमेजोने बिग बी साथेनी एक पार्टनरशिप की जाहेरात करी छे। मल्लिका अरोरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव तेणे इंस्टा में एक स्टोरी पोस्ट कर लिख्यू के कोई वैक्सीन बना दो भाई नहीं तो जवानी जती रहेशे। रणबीर कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थी रही है। तस्वीर में रणबीर कपूर पुलिस यूनिफॉर्म में नजर पड़ रहा है। टी20 लीग आईपीएल की आगामी सीजन में स्टार स्पोर्ट्स से कॉमेंट्री पैनल की जाहरात करी। कॉमेंट्री पैनल में सुनील गावस्कर हर्षा भोगले आकाश चोपड़ा और इयान बिशप सहित घना दिग्गजों ने शामिल कराया। અને હવે જુઓ વાયરલ ટ્રુથ પ્રતિપાલ સાથે મને રજા આપશો નમસ્કાર।